आज की इस वीडियो में हम लोग इस वाले मॉडल को डिजाइन करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। सबसे पहले हम अपनी रेफरेंस ड्राइंग देख लेते हैं। इस ड्राइंग में हमें एक कट सेक्शन व्यू दिया है एंड एक टॉप व्यू दिया है। सबसे पहले हमें यहाँ पर एक टॉप व्यू का स्केच निकालना है एंड देन हमें इसे स्टेप बाय स्टेप एक्सट्रूड करना है। अब हम सिलेक्ट करेंगे टॉप प्लेन एंड देन स्केच, सिलेक्ट करेंगे सेंटर लाइन, यहां से ओरिजिन तक एक सेंटर लाइन निकालनी है एंड देन ओरिजिन से कुछ यहां तक। नेक्स्ट अगेन सिलेक्ट करेंगे एक सेंटर लाइन एंड यहां तक एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि आप रेफरेंस ड्राइंग में देख सकते हैं, हमें यहाँ पर दो होल्स दिए गए हैं जिसका सेंटर पॉइंट जो है इस R70 के सर्कल से पास होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस सेंटर पॉइंट से हमें एक R70 का आर्क निकालना है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ सेंटर पॉइंट आर्क, सिलेक्ट करना है इस सेंटर पॉइंट को। इस पॉइंट से कुछ उस प्रकार ऐसे मैंने एक सेंटर पॉइंट आर्क निकाल लिया। स्मार्ट डायमेंशन इसे रेडियस दे देनी है हमें 70 mm। नेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे इस पॉइंट को एंड दिस पॉइंट, दोनों को कर देंगे यहाँ पर मर्ज। ठीक है, अब हमें सिलेक्ट करना है स्मार्ट डायमेंशन। जैसे कि आप ड्राइंग में देख सकते हैं, हमें इन दो लाइंस के बीच में का एंगल दिया है 130 डिग्री एंड इन दो लाइंस के बीच में का एंगल दिया है हमें 120 डिग्री। तो यहां से मुझे सिलेक्ट करना है इस लाइन को एंड दिस लाइन, एंगल दे देना है 130 डिग्री। दिस एंगल इज 120 डिग्री। नेक्स्ट इस डिस्टेंस को हमें देना है जो कि है 135 mm, राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है। अब हमें यहाँ पर दो सर्कल्स निकालने हैं, तो सिंपली मैं यहां से सिलेक्ट करूंगा एक सर्कल, इस पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ऐसे दो सर्कल्स निकाल लेने हैं सेम एज इट इज इस पॉइंट से एंड इस पॉइंट से, राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है। अब हम देंगे इसे स्मार्ट डायमेंशन, इसे डायमीटर देना है मुझे 9.5 × 2, यानी कि ये हो जाएगा 19 mm एंड इसे डायमीटर देना है हमें 11 mm, राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट में ये सर्कल, ये वाला सर्कल एंड ये वाला सर्कल, इन तीनों सर्कल को सिलेक्ट कर लेना है, इन्हें कर देंगे हम इक्वल। ओके, नेक्स्ट मुझे ये सर्कल एंड देन दिस सर्कल एंड ये सर्कल, इन तीनों को भी हमें कर देना है इक्वल। ओके, नेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे एक लाइन और उस सर्कल से एक टेंजेंशियल लाइन निकाल लेते हैं यहां तक एंड देन जैसे मैं यहां से फिर से इस पॉइंट तक आ जाऊंगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एक आर्क में। ठीक है, तो ऐसे हमें एक आर्क निकालना है एंड अगेन इस आर्क से इस सर्कल तक टेंजेंट लाइन निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्कल इस लाइन को टेंजेंट ऑलरेडी है, तो इसे टेंजेंट नहीं करेंगे हम। यहाँ पर भी ये लाइन एंड ये आर्क टेंजेंट है। नेक्स्ट हमें इस आर्क को एंड इस लाइन को कर लेना है टेंजेंट, सेम एज इट इज इस लाइन को एंड इस आर्क को करेंगे टेंजेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमें इस आर्क को डायमेंशन देना है, तो यहां से सिलेक्ट करेंगे स्मार्ट डायमेंशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें इसे रेडियस देनी है 40 mm, तो मैं इस आर्क को सिलेक्ट करता हूँ 40 mm, राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट मैं अगेन सिलेक्ट करूंगा एक लाइन
एंड यहाँ से कुछ यहाँ तक, एंड देन फिर से इस पॉइंट पर आ जाएंगे, आर्क में कन्वर्ट कर देना है, एंड यहाँ से इस लाइन, इस सर्कल को टेंजेंट एक लाइन निकाल लेते हैं। स्मार्ट डायमेंशन, इससे रेडियस देनी है हमें 50 mm, राइट क्लिक सिलेक्ट, देन इस आर्क को एंड इस लाइन को कर देंगे टेंजेंट, यहाँ पर भी ये टेंजेंट है। नेक्स्ट में इस आर्क को सिलेक्ट करूंगा एंड इसे कर देंगे फॉर कंस्ट्रक्टर। अब हमें अगेन एक लाइन ड्रॉ करनी है, इस सर्कल को टेंजेंट कुछ यहाँ तक, अगेन यहाँ पर एक आर्क निकालना है, जॉइन कर देंगे इस सर्कल को, सर्कल एंड लाइन टेंजेंट सेम एज इट इज, इस आर्क को एंड इस लाइन को कर देंगे टेंजेंट। स्मार्ट डायमेंशन, इसे रेडियस देनी है हमें 20 mm। नेक्स्ट हमें सिलेक्ट करना है स्मार्ट डायमेंशन, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं इस लाइन का एंड इस सेंटर पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस हमें दिया है 25 mm। तो सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा इस ओरिजिन पॉइंट को एंड देन सिलेक्ट करेंगे इस लाइन को, इस डिस्टेंस को हमें देना है 25 mm, सेम एज इट इज मुझे इस लाइन का एंड इस सेंटर पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस देना है 25 mm। वैसे हमें ओरिजिन को सिलेक्ट करना है अगेन एंड दिस लाइन, ये डिस्टेंस भी हम दे देंगे 25, एंड सेम एज इट इज इस ओरिजिन पॉइंट को एंड दिस लाइन, इसे भी दे देना है 25 mm। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं हमारा स्केच यहाँ पर फुल्ली डिफाइंड भी है एंड हमने इन सभी लाइंस के बीच में का डिस्टेंस यहाँ पर 25 दे दिया है। शायद ये हो गया है 28.39, तो इसे भी कर देंगे 25। तो अब ये ओके हो चुका है, अब करेंगे यहाँ पर ओके। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्ट करना है हमें ट्रिम एंटिटीज एंड इस अनवांटेड पार्ट को ट्रिम कर देना है यहाँ से, इससे भी, उसको भी कर देना है ट्रिम। ओके, तो नेक्स्ट हम जाएंगे यहां से फीचर्स में और सिलेक्ट करेंगे एक्सट्रूडेड बॉस बेस। हमें यहां पर डायरेक्शन देनी है मिड प्लेन एंड इसे करेंगे हम 30 mm एक्सट्रूड। नेक्स्ट हमें यहां पर ड्राफ्ट देना है 3 degree एंगल का एंड देन सिलेक्ट करेंगे ओके। तो हमारा पार्ट कुछ इस प्रकार से दिख रहा है आप, तो यहाँ पर हमारा कुछ इस प्रकार से पार्ट बन गया है। अब हमें सिलेक्ट करना है यहाँ से टॉप प्लेन एंड देन स्केच। नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे कन्वर्ट एंटिटीज एंड इस फेस को सिलेक्ट करना है ओके। तो यहाँ पर इसके आउटर एजेस जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर इस सेंटर पॉइंट से दो सर्कल निकालने हैं, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा सर्कल, दो सर्कल निकाल लेते हैं कुछ इस प्रकार से, राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है। इसका डायमीटर हमें देना है 50 mm, अनदर विल बी ऑफ 39 डायमीटर। स्मार्ट डायमेंशन 50 39, हमें सिलेक्ट करना है ऑफसेट एंटिटीज, देन में इस लाइन को एंड दिस लाइन को रिवर्स कर देंगे एंड यहाँ पर डिस्टेंस देना है हमें 4 mm, सेम एज इट इज इन दो लाइंस को सिलेक्ट करेंगे एंड ये दो लाइन भी एंड देन ओके कर देना है।
अब हम यहाँ से इन्हें करेंगे एक्सटेंडेड एंटिटीज, इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड करना है सेम एज इट इज इन दो लाइंस को, एंड दिस टू लाइंस आल्सो राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम सिलेक्ट करेंगे ट्रिम एंटिटीज, ट्रिम कर देंगे इस पोर्शन को, ये वाला पार्ट। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमें ये जो हमने कन्वर्ट किए थे इसे भी हमें कर देना है ट्रिम। तो हमारे कन्वर्टेड एंटिटीज में मैंने यहाँ पर ट्रिम कर दिए हैं। नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे ओके। अगेन जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर R13 का एक सर्कल निकालना है या फिर एक आर्क भी निकाल सकते हैं आप। नेक्स्ट हमें यहाँ पर एक सर्कल निकालना है, इसे एज अ सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे एंड कुछ इस प्रकार से एक सर्कल निकाल लेते हैं सेम एज इट इज इस होल के सेंटर पॉइंट से एंड देन इस होल के सेंटर पॉइंट से राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर देना है। नेक्स्ट इन्हें दे देंगे स्मार्ट डायमेंशन, इसे डायमीटर देना है 26 mm, राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर देंगे। मैं सिलेक्ट करूंगा इस सर्कल को, देन दिस सर्कल एंड ये वाला सर्कल, तीनों को सिलेक्ट करना है एंड कर देंगे इक्वल ओके। नेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे ट्रिम एंटिटीज, फिर पोर्शन ट्रिम कर देना है सेम एज इट इज ये वाला एंड देन ओके। यहाँ से इसे कर देंगे फुल्ली डिफाइंड स्केच, कैलकुलेट एंड देन सिलेक्ट करेंगे ओके। नेक्स्ट हमें जाना है यहाँ से फीचर्स में और इसे सिलेक्ट करेंगे एक्सट्रूडेड कट। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा डायरेक्शन रिवर्स, फ्रॉम में जाएंगे एंड यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑफसेट, 5 mm का ऑफसेट देना है एंड यहाँ से इसे कर देना है ड्रॉन। तो सिलेक्टेड कॉन्टूर्स में मुझे सिंपली ये वाला पार्ट, नेक्स्ट ये वाला एंड देन ये, इन तीनों को ही सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे ओके। ठीक है, सेम एज इट इज इसे हम कर देंगे मिरर, मिरर प्लेन देना है हमें यहाँ पर टॉप प्लेन एंड फीचर्स में सिलेक्ट करेंगे ये कट एक्सट्रूड एंड देन ओके। ठीक है, स्केच पर सिलेक्ट करना है एंड फिर से जाएंगे एक्सट्रूड कट में, दिस टाइम सिलेक्टेड कॉन्ट्रूस में आपको यहाँ पर स्केच दिखाई देगा, इसे कर देना है क्लियर सिलेक्शंस एंड मैं ये होल वाला सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये रीजन मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे थ्रू ऑल बोथ साइड्स एंड देन ओके। तो सिंपली मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा फिलेट, फिलेट को सिलेक्ट करने के बाद में हमें यहाँ पर देना है रेडियस, तो यहाँ पर दे देंगे हम 2 mm। नेक्स्ट मैं इस फेस को सिलेक्ट करूंगा सेम एज इट इज दिस फेस को एंड दिस फेस, तो इसके सभी एजेस जो सिलेक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हमें सिलेक्ट करना है ये एज, तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं तो इसमें से आपको राइट फीचर 35 एजेस जो इसे सिलेक्ट कर देना है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये सभी एजेस सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे इसे ओके। सेम एज इट इज हमें बॉटम में भी फिलेक्ट देने हैं, सिलेक्ट करेंगे यहाँ से फिलेक्ट सेम एज इट इज दिस फेस, दिस फेस एंड दिस फेस, दिस एज। जैसे मैं इस एज को सिलेक्ट करता हूँ, मैं लेट से इस एज को सिलेक्ट करता हूँ इस एज को सिलेक्ट करेंगे, तो वैसे ही हमें जो कनेक्टेड एजेस है उन्हें सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सभी सिलेक्ट कर लिए हैं, अब सिलेक्ट करेंगे ओके। इसमें सिलेक्ट करूंगा इस बॉस एक्सट्रूड को एंड इसे दे देंगे अपीयरेंस, मैं सिलेक्ट करूंगा इस ऑरेंज कलर को एंड देन ओके।
नेक्स्ट हमें इस कॉटेज टूल को सिलेक्ट करना है, मिरर को सिलेक्ट करना है एंड ऑल ऑफ दिस। अपीयरेंस में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे मेटल एंड इसे दे देंगे हम क्रोमियम प्लेट फिनिश। तो इस पर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट पूरी तरह से बन के रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो से अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज रोजाना लाते रहता हूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।